को भाई हमारे पास तो तकरीबन एक दाना 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो का भी एक एक दाना लग जाता है सुरमाई का जाती है। लेकिन ये जो पत्थर वाला इलाका है ना, वो आपको जहाँ कहीं भी मिलेगा पत्थर वाला इलाका, इंशाल्लाह आप डोरी की मच्छी भी अच्छी निकाल लोगे, आप अपना गुजारा कर लोगे। फिशर फ्लोटिंग जेटी पावर प्लांट की जानिब से यहाँ तामीर किया गया। खज्जी भी कहा जाता है, ये देख सकते हैं जालिम शिकारी, तो इसका नाम जो दिया गया इसको जालिम शिकारी। इसमें बंदे को तूफान भी पकड़ लेती है, हवा भी पकड़ लेती है, बारिश भी पकड़ लेती है, तो यानी कि बंदे के ऊपर ऐसे ऐसे वक्त आ जाते हैं जिसको अपने यानी कि जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये बलूचिस्तान का वो इलाका है जो कराची के बिल्कुल करीब है, और ये अलाना गोट है, ये माहिगीरों के गोट हैं, और ये माहिगीर ये समंदर में जाते हैं मछली का शिकार करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक फ्लोटिंग ब्रिज जेटी भी बनाई गई है जो कि माहिगीरों के लिए, वो भी हम आपको दिखाते हैं ना। हब पावर प्लांट की जानिब से इसकी तामीर ना हुई, और माहिगीरों के मुताबिक इसके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो 7 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई और इसकी तामीर ना की गई। लेकिन इसके क्या फ़ायदे थे माहिगीरों से हम बात करते हैं। मछली के लिए अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको मछली का कैसा शिकार मिलता है, कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं। पथरीला इलाका है साहल, इसके अंदर मछली चन्ना आइलैंड की तरह यहाँ भी बहुत अच्छी मछली लगती है और बड़ी बड़ी मछली यहाँ पे पाई जाती है। आइए हमारे साथ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंदर आपको बताते हैं ये सामने आपको जो नज़र आ रही है ये फिशर फ्लोटिंग जेटी है। ये जेटी का बनाने का मकसद ये था कि यहाँ के जो लोकल माहिगीर हैं वो यहाँ पर अपनी कश्तियों को रोकें और यहाँ से जो मछलियों को शिकार करके लाते हैं उसको लेके जा सकते हैं। अब पावर प्लांट की जानिब से यहाँ तामीर किया गया और उसके बाद आज 2019 के अंदर इसकी तामीर मुकम्मल हुई। 3 खज्जी भी कहा जाता है, ये देख सकते हैं ये सामने माहिगीरों की कश्तियाँ हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो माहिगीर यहाँ पे आते हैं और इन समंदर के अंदर जाके मुख्तलिफ मकामात के अंदर अपने शिकार करते हैं। मेरी दाएं जानिब आप देखें यहाँ पर, तो सामने आप देख सकते हैं आपको तिलिस्मिती बीच और ग्राडानी शिप यार्ड आपको नज़र आएगा, और अगर मेरी बाएं जानिब आप देखें तो यहाँ पे आगे आपको हब पावर प्लांट नज़र आएगा। इस वक्त हम जिस मकाम पे मौजूद हैं ये अला गोट नाम से ये इलाका है जिसे 3 खज्जी और फ्लोटिंग ब्रिज फिशर जेटी के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी देखने में देखा जाए तो ये छोटा सा हिस्सा है, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो फ़िशरमैन हैं यहाँ पर अपने मछली का शिकार करते हैं। तो आइए हम चलते हैं और मुख्तलिफ जो फ़िशरमैन हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि वो इस हवाले से वो क्या कहते हैं यहाँ शिकार के हवाले से, कि शिकार होता है नहीं होता और क्या। अभी मैं मौजूद हूँ एक माहिगीर की कश्ती पे, ये सामने आप देख सकते हैं जालिम शिकारी। ये जालिम शिकारी ये जब जाता है समंदर के अंदर ऐसा शिकार करता है, तो इसका नाम जो दिया गया इसको जालिम शिकारी का नाम दिया गया, और इन्होंने अपने वो सामने कश्ती के ऊपर लिख दिया जालिम शिकारी कि बड़ी बड़ी मछलियाँ का शिकार करके लाते हैं। टेक्निकी याफ्ता है, माहिगीरों का उस्ताद समझने वाला जालिम शिकारी। जालिम शिकारी वही हैं, अभी हम इनसे बात भी करते हैं जालिम शिकारी बने और कैसे शिकार करके लाते हैं। आपको पता है कि समंदर का जो काम है वो आसान काम नहीं है, इसमें बंदे को तूफान भी पकड़ लेती है, हवा भी पकड़ लेती है, बारिश भी पकड़ लेती है, तो यानी कि बंदे के ऊपर ऐसे ऐसे वक्त आ जाते हैं जिसको अपने यानी कि जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमने इस कश्ती का नाम रखा हुआ है जालिम शिकारी। बाकी अल्लाह का शुक्र है, यानी कि समंदर में जाओगे तो आपको इस हिसाब से कि यानी कि आपकी ज़िंदगी खतरे में, किसी भी वक्त आपके ऊपर हवा आ जाती है या तूफान आ जाता है या बारिश आ जाती है, यानी कि आप ऊपर नीचे यानी कि बीच में चल रहे हो, सेफ ऐसे नहीं चल रहे हो, तो इस कश्ती का नाम भी हमने जालिम शिकारी रखा हुआ है। तो ये जो आप जिस इलाके में हो ये कुंड का इलाका है, अलाना गदोर गोट ये इलाका है। यहाँ पे पूरा जो इलाका है ये पत्थर वाला इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे इलाका जो है वो शिकार के लिए बहुत अच्छा इलाका है, यानी कि मछली लग जाती है डोरी पे भी, या अंदर जाओगे समंदर के अंदर तो वहाँ पे भी बंदे का गुजारा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप कौन कौन से यहाँ करीब में मकाम है जहाँ पर जाना चाहिए शिकार के लिए? यहाँ पर आपको नज़दीक में ये सोनारी का मकाम पड़ेगा आपको, और यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर गडानी है,
घटानी पहाड़ी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, यानी कि पूरे साइड में जाओगे आपको इंशाल्लाह शिकार लग जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर चन्ना आइलैंड की तरफ जाते हैं तो तकरीबन कितना दूर पड़ेगा, और शिकार सबसे बड़ा जो शिकार है और जो नया मछली वो ज़्यादातर कौन सी जगह पे मिलती है? देखो, ये जो मछली होती है, जो बड़ी मछली होती है, वो आपको गहरे पानी में मिलेगी। ये चरना यहाँ से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर पड़ेगा, तकरीबन एक घंटे का रास्ता होगा, जो कि कश्ती 12-13 किलोमीटर फी घंटा चलेगी, तो यानी कि एक घंटे के तकरीबन करीब आप चरने आइलैंड पे पहुंच जाओगे। और वहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ जैसे सुरमाई हो गई, और भी बहुत सी जो बड़ी मछलियाँ हैं वहाँ पे लग जाती हैं डोरी पे भी। के अंदर कौन कौन सी ज़्यादातर और कितनी बड़ी मछली आपके पास अब तक लगी है? देखो भाई, हमारे पास तो तकरीबन एक दाना 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो का भी एक एक दाना लग जाता है सुरमाई का। इस मकाम पर? हाँ, इस मकाम पे लग जाता है, चूर्ण आइलैंड की साइड में। इस मकाम पे तकरीबन 2-3 किलो यानी किनारे साइड में भी ये दाने लग जाते हैं। शिकार का होता है एक सीज़न होता है, जिस तरह के सर्दी में अभी भांगरे का सीज़न है, वहाँ पे भांगरे और सुरमाई का डोरी पे वापस सुरमाई पकड़ने के लिए जाते हैं। अभी जो सीज़न चल रहा है वो ज़्यादातर भांगरे का सीज़न है, जो सर्दी में रात के वक्त होता है। के लोग अगर मतलब शिकार के लिए निकलें, जो शौकिया होते हैं, बिल्कुल सही है, तो उनके लिए आप क्या समझते हैं कौन सी जगह है? अगर वो कुंडी से शिकार, सब जरूर उनके पास जाले तो होते नहीं है जी, वो कुंडी से शिकार करेंगे तो वो कुंडी से कौन सा मकाम पे सबसे बेस्ट मछली और बेहतरीन बड़ी मछली रख सकती हूँ? देखो ना भाई, मैं आपको बताना चाहूँ कि कुंडी का जो शिकार है ना, वो सर्दी से ज़्यादा गर्मी में सही लगता है। वो इसलिए कि सर्दी ज़्यादा होती है तो किनारे पे पानी ठंडा हो जाता है और मछली थोड़ा गहरे पानी में चली जाती है। थोड़ा सर्दी कम होती है तो मछली वापस छोटे पानी में आ जाती है। लेकिन ये जो पत्थर वाला इलाका है ना, वो आपको जहाँ कहीं भी मिलेगा पत्थर वाला इलाका, इंशाल्लाह आप डोरी की मच्छी भी अच्छी निकाल लोगे, आप अपना गुजारा कर लोगे। होती है वो सुआ होता है, नया मछली होती है सुआ। अभी आपको तो पता है ना कि बड़े बड़े ट्रालर हैं जो यानी कि गहरे पानी से जो जाल लगाते जा रहे हैं, और नया मछली को तो यहाँ पर पहुँचने नहीं देते, बड़े पानी से भी उठा लेते हैं। ये कश्तियाँ तो छोटी है, ये ज़्यादा यानी कि समंदर में 8 घंटे या 10 घंटे रहती है, इससे ज़्यादा ये रह नहीं सकते, वापस चले आते हैं। बाकी जो एक एक महीना समंदर में होती हो तो मछलियों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, यानी कि बड़े पानी से ही उठा लेते हैं उन मछली को। ये इस तरह होता है ना कि हमारे पास जो बॉक्स बने होते हैं, आपने खुद देखा होगा, जिसके अंदर बर्फ़ बड़े बॉक्स है, 150 से 200 किलो के बॉक्स बने होते हैं, उसके ऊपर यानी कि उसके अंदर डाल के मछली को चिल वाटर करके फिशरी बेचते हैं, फिशरी कराची पे, फिर वहाँ पे गाड़ी में लेके जाते हैं, वहाँ से बेच के वापस यहाँ आ जाते हैं। हम शिकारी से बात भी करवाई, अभी हम पहुँच चुके हैं। ये महगिरों की एक छोटी सी जेटी बनी हुई है, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के क्रश और पत्थर डाल के ये छोटी सी जेटी बनाई है ताकि ये अपनी कश्तियों को यहाँ पे ला सकें। ये देख सकते हैं, हम अभी इस जेटी के अंदर चलते हैं, ये बड़ी देखते हैं, आपको दिखाते भी हैं। गिरों से बात की, अभी हमने आपको दिखाया तो बहुत सारी कश्तियाँ जो है ना वो रुकी हुई थी, उसकी वजह ये है कि इनका ये कहना था कि यहाँ पर शिकार की जगह तो बहुत अच्छी है अगर आप शिकार करना चाहते हैं, क्योंकि ये पथरीली जगह है, इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं, और उसकी वजह से शिकार बहुत अच्छा लग जाता है, बहुत अच्छी मछलियाँ लग जाती हैं। लेकिन अभी क्योंकि हवा ज़्यादा होने की वजह से लहरें ज़्यादा हैं, तो अभी वो समंदर की तरफ गए नहीं, शिकार नहीं कर रहे, और रात के टाइम उनका ये कहना था कि हम रात के टाइम निकलते हैं और शिकार करते हैं। यहाँ से सामने देख सकते हैं गडानी तक के रास्ता जाता है, और ब्रेकिंग शिप यार्ड से आगे गडानी तक, वहाँ तक जाते हैं, ये मुख्तलिफ शिकार करते हैं। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये महगिरों के हवाले से हमने आपको बात की, महगिरों की वो जो इन्होंने फिशर फ्लोटिंग जेटी बनाई थी वो हमने आपको दिखाई है, उसके बाद महगिरों से बात की कि कौन कौन सी मछलियां उनके हाथ लगती हैं, कौन कौन सा शिकार होता है, अगर कोई शिकार करना चाहता है तो वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, और इनके साथ भी आप शिकार पर जा सकते हैं, ये आपको शिकार पर ले जाएंगे। और कुंडी से भी बहुत अच्छा शिकार हो जाता है इस जगह पर, और अगर आप जाल से शिकार करना चाहते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा शिकार हो जाता है, बड़ी बड़ी मछलियां आपको यहां पे मिल सकती हैं। अगर आप चन्ना आइलैंड नहीं जाना चाहते तो इस जगह पर भी आप बहुत अच्छे शिकार कर सकते हैं।